नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HP के LaserJet 1005 टैंक प्रिंटर के बारे में। दोस्तों, इस प्रिंटर से पहले HP का 1005 LaserJet प्रिंटर चल रहा था जिसमें टैंक्स वर्ड नहीं जोड़ा गया था, लेकिन दोनों का मॉडल में ज्यादा कुछ अंतर नहीं किया गया, सिर्फ 1005 के बाद टैंक जोड़ दिया गया है और पिछला वाला जो था 1005 LaserJet प्रिंटर था। तो इन्हीं दोनों के बीच में का डिफरेंस समझेंगे और ये भी समझेंगे कि जो नया वाला HP का 1005 टैंक LaserJet प्रिंटर आया हुआ है, ये परचेस करना जरूरी है या नहीं है, और ये मार्केट में आया है तो इसका रेस्पॉन्स क्या है, इसका डिफेक्ट क्या आ रहा है, लोगों का रिव्यू क्या है, वो सारा चीज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जो पहले से 1005 LaserJet प्रिंटर था वो बहुत ही सक्सेस प्रिंटर था, लगभग 2010 से और अभी तक चल रहा है प्रिंटर। उस प्रिंटर से जितने भी ग्राहक थे, जितने भी कस्टमर खरीदे हैं, जो लोग भी यूज कर रहे हैं, वो सभी लोग उस प्रिंटर से बिल्कुल सेटिस्फाई है। उसमें कोई भी एरर आती है तो उसका जल्दी से सोल्यूशन मिल जाता है, मार्केट में उसका सोल्यूशन हर जगह मिल जाता है और आसानी से उसका कार्टेज भी रिफिल हो जाता है और उसका कार्टेज रिफिल का भी बहुत ही कम कॉस्ट आती है। वैसे तो दोनों प्रिंटर में प्रिंट कॉपी स्कैन करने की सुविधा दोनों में है, दोनों की स्पीड सेम आती है, यानी कि 22 पेज पर मिनट की प्रिंटिंग स्पीड आती है। और ये दोनों प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट मोनोक्रोम प्रिंटर है जिससे आप सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में ही प्रिंट कर सकते हैं और ये लैपटॉप डेस्कटॉप किसी से भी आप प्रिंट आराम से कर सकते हैं। अब बात आती है जो नया वाला प्रिंटर है उसकी रिफिलिंग की। इस प्रिंटर को टैंक क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो प्रिंटर है उसमें जैसे इंकजेट प्रिंटर जो होता है, इंक टैंक प्रिंटर, उसी तरह इस लेजर प्रिंटर में भी एक टैंक लगाया गया है जिसमें जो इसका टोनर यानी कि जो पाउडर आता है उस पाउडर को आसानी से रिफिल कर पाएंगे और रिफिल करके हम प्रिंट कर सकते हैं। पुराना वाला प्रिंटर में यानी कि पुराना वाला जो 1005 लेजर प्रिंटर था उसमें क्या था कि उसमें टैंक नहीं लगा हुआ था, उसमें एक 12A मॉडल का एक कार्टेज लगता था और वो कार्टेज जब भी रिफिल करना होता था, जो लोग एक्सपर्ट थे तो वो खुद भरते थे, नहीं तो किसी दुकान पर ले जाते थे, उसको रिफिल कराते थे। उसको रिफिल करने का सिर्फ 200 रुपया कॉस्ट आता है, यानी कि उसमें 120 ग्राम का अगर टोनर भरते हैं और उसका जो कास्ट है उसका लगभग 100 से 150 रुपया आता है, 50 रुपया जो दुकानदार चार्ज लेता है, यानी कि मान के चलते हैं 200 रुपया कार्टेज का रिफिलिंग चार्ज आता है। दोस्तों, जो नया प्रिंटर है जो इसमें टैंक लगा हुआ है, इसमें जो टोनर आ रहा है, इसको रिफिल करने का तो बहुत आसान तरीका है कि सीधा बोतल लाइए, उसमें उड़ेलिए, प्रिंटर को चालू करिए, ऑटोमेटिक वो रिफिल कर लेगा, उसके बाद निकाल लेगा। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था इस टैंक प्रिंटर के साथ, लेकिन बाद में दिक्कत कस्टमर को या लोगों को ये आने लगा कि उसको रिफिल करने का जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा आने लगा। इसको रिफिल करने का दो टोनर आता है, एक आता है 158A जिसमें 70 ग्राम का पाउडर होता है जो कि लगभग 1000 रुपये के रेंज में आता है और उससे 1000 रुपये का अगर इन्वेस्ट करते हैं तो कितना पेज प्रिंट करेंगे, जो कार्टेज पे लिखा हुआ है वो लगभग 2500, लेकिन उतना प्रिंट होता नहीं है, वो लगभग 2000 या 1800 पेज के लगभग प्रिंट होता है। वहीं पे इसका दूसरा जो टोनर आता है वो 158X जो कि 100 ग्राम का होता है, लेकिन इसमें कंपनी लिख रही है कि ये 5000 पेज प्रिंट करेगी और इसका जो प्राइस है 1600 रुपये है। अब बताइए, आप कॉमन सेंस समझिए कि जो 70 ग्राम का टोनर था उससे लिख रहा है कि 2500 पेज प्रिंट करेगा और वहीं पे 30 ग्राम बढ़ा दे रहा है तो दुगुना बढ़ जाएगा प्रिंटिंग। यहाँ पे कंपनी ने लोगों को बेवकूफ बना रखा है। अब बात करते हैं, चलिए यहाँ पे तो ओरिजिनल कार्टेज की बात है तो ओरिजिनल कार्टेज को हम साइड में रखते हैं। जैसे कि हम पुराना 1005 प्रिंटर यूज करते थे तो उसमें जो कार्टेज की जो प्राइस है इस समय मार्केट में लगभग 450 से लेकर 800 के बीच में कोई भी कार्टेज आप किसी भी कंपनी का खरीद सकते हैं और उसको रिफिल कराने का 200 रुपये चार्ज लगेगा। लेकिन अब उसका जो रिफिलिंग होता है, जो 200 रुपये में रिफिलिंग करते हैं, 200 रुपये में रिफिलिंग करके उससे 1800 पेज प्रिंट करते हैं। तो अब बताइए कि इसका सस्ता पड़ रहा है कि जो नया वाला टैंक आ रहा है इसका सस्ता पड़ रहा है। इसके वजह से लोग इस प्रिंटर को प्रीफर करना थोड़ा सा मुश्किल समझ रहे हैं और इसे खरीद के जो लोग खरीद लिए हैं वो लोग पछता रहे हैं। एक तो ये रीजन रहा लोगों को पछताने का इस नए वाले टैंक प्रिंटर के कारण। दूसरा रीजन ये है कि अगर इसमें, चलिए ओरिजिनल जो कार्टेज है 1600 रुपया का मिल रहा है,
तो हम क्या करते हैं कि दूसरा, जैसे पुराने वाले प्रिंटर में दूसरे कंपनी का हम कट यूज करते हैं, जैसे जो पुराना लेजर जेट प्रिंटर है उसमें जो नया वाला एचपी का ओरिजिनल कट लगते हैं तो लगभग 1800-2000 के बीच में पड़ता है, और उसी का अगर कॉपी दूसरे कंपनी में लेते हैं तो लगभग 500-800 के बीच में मिल जाता है, और वो लग भी जाता है और प्रॉपर ढंग से चलता भी है, और उसमें अगर कोई भी कितना भी खराब कार्टेज, कितना भी लो कंपनी वाला कार्टेज लेते हैं तो उसमें 5-6 रिफिल तक तो बहुत अच्छा चलता है। अब नए वाले में क्या है कि अगर दूसरे कंपनी का अगर टोनर खरीद लेते हैं तो अगर 5 टोनर आप खरीदते हैं तो ये तो गारंटी है कि उसमें से 2 या 3 कार्टेज ये प्रिंटर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। चलिए मान लेते हैं कि जो दूसरे कंपनी का जो टोनर है उसे हम खरीद के इसमें सपोर्ट भी कर ले रहा है, तो जो दूसरे कंपनी का जो टोनर आता है वो लगभग 600 से 800 के बीच में आ रहा है, और उससे क्या होगा, उससे भी 1800 पेज ही प्रिंट हो रहा है। और इसमें बस इतना ही है कि लोगों को अपने से भरने का एक सुविधा दे दिया है, इसके वजह से लोग ये प्रिंटर फ्लॉप जा रहा है। दूसरा चीज, जैसे कि एचपी का जितने भी इंकजेट प्रिंटर आ रहे हैं जो जिसमें इंक पड़ रहे हैं उसमें पेपर जाम का जितनी प्रॉब्लम आ रही है, वैसे ही इसमें भी पेपर जाम का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके वजह से भी लोग इससे, इस प्रिंटर से हट रहे हैं और इसको ख़रीदना नहीं पसंद कर रहे हैं, क्योंकि 2-4 प्रिंटर मार्केट में गए हैं, इसका इतना शिकायत हुआ कि बाकी लोग इसे ख़रीदना पसंद नहीं कर रहे हैं। और यही कारण है कि ये प्रिंटर लॉन्च हुए लगभग 1 या 1.5 साल हुआ और ये मार्केट से ख़त्म भी हो गया, क्योंकि इनका डिमांड नहीं है, जो भी जिनके वहाँ है वो बिक नहीं रहा है, इसी कारण से कंपनी अब इसे मैन्युफैक्चर भी नहीं कर रही है। अब बात करते हैं इस प्रिंटर की प्राइस की, तो ये जो प्रिंटर है मार्केट में 3 कैटेगरी में आया हुआ है। ये प्रिंटर एक नॉर्मल है जो सिर्फ आप यूएसबी केबल के थ्रू कनेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं, एक वाईफाई के साथ है, और दूसरा है वाईफाई और इथरनेट के साथ भी इसे जोड़कर आप प्रिंट कर सकते हैं, तो ये 3 कैटेगरी में प्रिंटर लॉन्च हुआ था। और जो नॉर्मल प्रिंटर है उसका जो प्राइस है लगभग 20,000 के रेंज में ये मिल जाती है। अब लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि जो बढ़िया प्रिंटर थे उसको कंपनी बंद करके जो टैंक वाला प्रिंटर लाई है ये बकवास हो गया, तो अब इसके जगह पे कौन सा प्रिंटर खरीदें, तो हमारा सजेशन यही रहेगा कि अगर एचपी में कोई अगर लेजर जेट प्रिंटर खरीदना चाहते हैं तो आप 126 या फिर 136, इन दोनों में 2-3 मॉडल आते हैं, 36A, 126A, W, ANW, इस तरह से इसमें भी आता है, 136 में भी WNW और W, इस तरह से प्रिंटर आते हैं, तो इनमें से जो भी आप प्रिंटर लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ये प्रिंटर बहुत ही सक्सेस है, जिस तरह से 1005 सक्सेस है वैसे ये भी प्रिंटर सक्सेस है। इनका भी जो कार्टेज है, जैसे 1005 का रिफिल होता है, सेम टू सेम वही होता है, बस अब तो थोड़ा सा रिफिल करने का तरीका चेंज हो जाता है, लेकिन बाकी सब कुछ सेम है। इसका भी पार्ट्स जो है मार्केट में अवेलेबल होता है, आसानी से अवेलेबल हो जाता है, आप कहीं पर भी किसी भी दुकान पर जाएंगे इसका पार्ट्स आराम से मिल जाता है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी एचपी का टैंक लेजर में जो टैंक प्रिंटर आए हुए हैं वो लेना सही नहीं रहेगा, अब आपके ऊपर डिपेंड है, आपको लेना ना लेना आपके ऊपर डिपेंड है। अगर इसी में दूसरा चाहें तो हमने अभी जो मॉडल नंबर बताए हैं उनको आप परचेस कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।